गाइस, क्या हाल चाल है? आज फर्स्ट मील ऑफ द डे है, बिना नमक के हुई। आज लास्ट वर्कआउट है, कल वेट कराने जाना है। होपफुली मेरा जो वेट चाहता हूँ वो आ जाएगा। 1-2 किलो की कमी रह रही है बस, आज में टूट जाएगा। रोज़ 1 किलो वेट टूट रहा है। थोड़ी देर में जिम चलेंगे, पहले धूप लेनी है। धूप लेने के बाद जिम जाऊँगा, वर्कआउट करके कार्डियो करके फिर वापस आऊँगा। बाकी मिलते हैं, पूरे दिन का शेड्यूल दिखाते हैं। थैंक यू। हाँ जी गाइस, अभी अभी जिम आया हूँ। भैया का मैसेज आया था कि मेरे पास आ जाए 4 बजे तक, तो मैं भाग दौड़ रही एकदम से, क्योंकि मेरी वर्कआउट नहीं हुई थी। तो वर्कआउट करके मिलता हूँ आपसे। रास्ते में जाते हुए दिखाता हूँ, लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। बाकी दिखाता हूँ क्या रहेगा वहाँ पे। कल कार्ब्स लोडिंग करनी है, थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, कल कार्ब्स लोडिंग करनी है, तो इसलिए भैया ने मुझे बुलाया है। मैं वर्कआउट भी करनी है, कार्डियो तो मैं आके कर लूँगा। बाकी मिलता हूँ आपसे रास्ते में चलते टाइम। जी गाइस, निकल गए हैं भैया की जिम की तरफ, वर्कआउट कर ली है, थोड़ा सा लेट हो गए। बाकी पहुँच के दिखाते हैं आपको। आज भी गौरव साथ है। भैया क्या बताएंगे, कार्ब्स इनटेक कैसे करना है। एकदम से भैया का मैसेज आया कि भाई 4 बजे तक आ जाए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी कोई बात नहीं, 10-15 मिनट चलते हैं, पहुँच के दिखाते हैं आपको। मिलते हैं भैया की जिम पहुँच के। ये भैया की जिम आ गए हैं, बाकी दिखाते हैं आपको। गाइस पहुँच गए हैं स्वर्ग के दरवाजे पे, मिलते हैं भैया से, बताता हूँ आपको क्या रहा। हाँ जी गाइस, पहुँच गए भैया के पास, और भैया ने जाते ही कपड़े उतरवा दिए। भाई पोजिंग करके दिखा, बॉडी कंडीशन दिखा, उनको बॉडी की कंडीशन अच्छी लगी, बस थोड़ी सी पोजिंग की बोलते हैं कि रोक के होल्ड करके हमारा कर। और गाइस मैं 5 साल बाद खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो जाता हूँ भैया के पास सामने जाते ही। और आपको आज देखने को मिलेगा एक प्रो बॉडी बिल्डर, क्लासिक फिजिक का, जो काफ़ी सारे ओवरऑल मार चुका है। मैंने उसके साथ पोजिंग करी है। अब मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगा मैंने उसको बीट कर दिया, बस कर दिया। वो मेरे से काफ़ी सीनियर है, काफ़ी टाइम से खेल रहा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी नॉलेज है। बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे उसके साथ पोजिंग करने का मौका मिला, उसने और मैंने साथ पोजिंग करी। अभी मैं अकेले पोजिंग कर रहा हूँ, आगे देखना उसकी और मेरी पोजिंग होगी। भैया पहले मुझे सिखा रहे हैं कैसे बैक रोकनी है, खोलनी है, कैसे मसल रोकनी है, स्टेज पे कैसे बड़ा दिखना है। अभी देखो वैक्यूम पोज करवा रखा है, सबसे डिफ़िकल्ट पोज होता है, सांस रोक के पेट अंदर घुसा के ये पोज करना। पोजिंग करते करते इतना पसीना आ जाता है, इतना वर्कआउट करने पसीना नहीं आता। ये आ गया वो भाई, इस भाई के साथ, ये प्रो है, ये मेरे से काफ़ी सीनियर है, काफ़ी टाइम से खेल रहा है, और ये शुरू क्लासिक की तैयारी कर रहा है, ठीक है गाइस। और देखना पोजिंग करेंगे, एक पोज दिखाऊंगा। इसके साथ मैंने वैक्यूम का पोज मारा था। अब मैं ये नहीं बोल सकता मेरा अच्छा था ये गंदा था, बस मैंने अपना बेस्ट दिया। ये थोड़ा सीनियर है, इसको खेलते हुए 5-6 साल हो गए, तुम्हारा भाई 5 साल बाद स्टेज पे। गाइस अब आया हूँ 7:30 बजे भैया की जिम से। कल से आपको दिखाएंगे कि क्या होती है कार्ब्स लोडिंग। दाढ़ी बनाऊंगा, मुंह देखना, बाकी आज देखना और सुबह मुंह देखना। पानी बंद हो गया रात से, आज से कल पानी नहीं पीना, परसों पानी भी नहीं पीना, आज से पानी बंद है रात को 12 बजे। सुबह उठ के देखना मेरा मुंह। बाकी कार्ब्स लोडिंग दिखाऊंगा आपको, बिना नमक की कार्ब्स लोडिंग कैसे करते हैं, एक एक चीज़। बस अभी कार्डियो करने जाना है, थोड़ा सा कार्डियो कर लूँगा और थोड़ा पसीना निकल जाए, बूढ़े से पानी निकल जाए। बाकी मिलता हूँ आपसे, अभी घर आया हूँ, जस्ट गुस्सा था, सोचा आपसे बात कर लूँ। हाँ जी गाइस, आज ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं आएगा, छोटा सा ही व्लॉग आया है। लास्ट में व्लॉग द डे है। आज रात से पानी बंद हो जाएगा, नमक तो बंद था ही। कल आपको दिखाऊंगा कार्ब लोडिंग क्या होती है। बाकी कोशिश है जल्दी सो जाऊंगा, आज थकान बहुत हो रही है। 10:30 बजे मील ले रहा हूं मैं। कल से आपको दिखाऊंगा कैसे पानी के साथ कार्ब लोडिंग होती है। मतलब पानी बंद है सिप करके, और उसमें कोई नमक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रोटीन मतलब चिकन बंद हो जाएगा कार्ब में। देखो कैसे लेते हैं, फिर बॉडी ऐसे से ऐसे कैसे होती है। बाकी हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, अशब्बा खैर, मिलते हैं कल।